उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर अभ्यर्थियों ने एक शिष्टमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उसके समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। अभ्यर्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक मांग पत्र भी सौंपा है। पीसीएस अभ्यर्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि बाकी परीक्षाओं की तरह पीसीएस को भी तब तक स्थगित रखा जाए जब तक सरकार महिलाओं के पक्ष में 30% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित नहीं कर लेती। क्या कुछ इनकी समस्या है? देखिए, ऐसा है, बच्चों के कहना यह है कि रिजल्ट्स में आने में काफी कंफ्यूजन रहा है। 4-5 बार रिजल्ट आया है और उस कंफ्यूजन की वजह से जो तैयारी का समय उन्हें मेंस के लिए मिलना चाहिए या जो मौका और बच्चों को मिल रहा है वो इन बच्चों को नहीं मिलेगा। तो मैं ज़रूर उनकी बात मैंने सुनी है, लॉजिक है उनकी बातों में, युवा बच्चे हैं, उनके बातों में लॉजिक है और मैं समझ रही हूँ, उनकी पीड़ा को समझ रही हूँ और उनकी बात मैं आगे तक प्रयास करूँगी कि हम आगे बात करें और अगर कुछ उनकी प्रॉब्लम हम सुलझा सकते हैं, सुलझानी चाहिए, युवा है, हमारे आगे जनरेशन है, तो मैं प्रयास